गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व उत्सव से पूर्व गुरु द्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर एवं गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय द्वारा इंदिरा तिराहे पर लंगर पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर चखा और लंगर खाने आए लोगों को सिख समाज के लोगों की ओर से पौधा दिया गया। इस मौके पर सिख समाज की ओर से ब्लड डोनेशन भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंजाबी अकेडमी उत्तर प्रदेश के सदस्य जगनयन सिंह उर्फ नीटू ने कहा, जितना मर्जी लगाइए। जगनयन सिंह नीटू, सदस्य पंजाबी अकेडमी उत्तर प्रदेश शासन। ये जो वर्ष है 2019, ये हमारे सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी का 550वां प्रकाश आगमन, जगत आगमन का 550वां साल है। 550वां प्रकाश पर्व नवंबर में होगा, लेकिन हम लोग पूरे साल इसको 550 साल गुरु नानक के नाल करके पूरे विश्व में हम आयोजन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज ये आयोजन यहाँ पे हम लोगों ने किया है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर और गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक, ये इन दोनों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे आज जहाँ गुरु नानक की याद में 550 पौधे बांटे, ताकि गुरु नानक के नाम का एक पौधा लेके अपने घर लगाओ और पर्यावरण सुरक्षा में सहयोगी बनो, जो आज की बड़ी ज़रूरत है। और साथ ही गुरु का लंगर प्रसाद यहाँ पे बांट रहा है, साथ ही गुरु की याद में किसी का जीवन बचाने के लिए, ज़रूरतमंद के सहयोग के लिए रक्तदान शिविर भी लगाया, जो आज 30वां रक्तदान शिविर गुरु नानक देव गुरुद्वारा जटाशंकर का है। और इस अवसर पे यही आज का कार्यक्रम है। मैं सभी से यही सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग रक्तदान करें, आप लोग लंगर छकें और पौधा लेके परमात्मा का नाम लेते हुए अपने घर एक पौधा लेके जरूर जाएं, ताकि हम अपने प्रकृति को बचा सकें। धन्यवाद।